CBFC, a.k.a. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसका काम तो था फिल्म को सर्टिफिकेट देना उसके कंटेंट के हिसाब से, पर अब इनके CBFC में सी का मतलब सेंसर हो गया है। और अब ये मूवीज कट करते हैं, उनमें गालियां म्यूट करते हैं, मावशीजी, और अगर मन किया तो भैंचोद बैन भी कर देते हैं, क्योंकि अब यही हमारे माई बाप है, जो ये कहे वही पत्थर की लकीर सरकार। अब जब भी कोई मूवी CBFC में जाती है तो कुछ ऐसा हाल होता है। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा? रिसेंटली एक मूवी रिलीज होने वाली थी जिसका नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। ये मूवी इंडिया में रिलीज होने से पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और इस मूवी को स्टैंडिंग ओवेशन तक मिला। भैंजो, जिस मूवी को इंटरनेशनल ऑडियंस ने इतना पसंद किया उसे अपनी सो कॉल्ड सेंसर बोर्ड ने इसलिए बैन कर दिया क्योंकि द फिल्म इज लेडी ओरिएंटेड, अरे भैंजो ओरिएंटेड की स्पेलिंग तो सही से लिख लो, एंड हैज सेक्सुअल सीन्स एंड अब्यूजिव वर्ड्स। अरे चूतिया हो गया छोरे, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंसर बोर्ड इंसान गाली नहीं देता, मावशी जी औरत सेक्स के बारे में नहीं सोचती, सेक्स के बिना इंसान पैदा हो जाते हैं, सेक्स भैंजोद होता ही नहीं है। ये सेक्स का हो गए बे भाई, ये 2017 की मूवी है, कोई 70s या 60s की मूवी नहीं जो इसमें कुछ ऐसे सीन हो। और राम तेरी गंगा मैली भूल गए क्या? और साला ये सेंसर बोर्ड संस्कारी कब से बन गया? इनका खुद का जो चीफ है मिस्टर पहलाज निल्हानी, जो खुद बी ग्रेड मूवीज का किंग हुआ करता था, वो खुद तो ऐसी मूवीज बनाता था। हम जो यूथ है ना, हमें पता है सही क्या है और गलत क्या है। भैंचो 100 करोड़ की आबादी का ये देश है और तुम 10-15 लोग कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि ऑफेंसिव क्या है और क्या नहीं है? मूवी रिलीज तो होने दो, जनता डिसाइड करेगी ऑफेंसिव क्या है क्या नहीं। मावशी जी, और इनकी हिपोक्रेसी तो देखो, मूवीज लाइक मस्ती ज्यादे, क्या सुपर कूल है हम, रागिनी SMS मेरा मतलब MMS, ये सब तो आराम से रिलीज हो गए और इनके बिल्डिंग जितने बड़े बड़े पोस्टर्स भी लग गए सब जगह। तब ये संस्कारी लोग क्या घर पे लूडो खेल रहे थे क्या? पिताजी चुप रहना शर्म। पर ये लोग भी तो अपने सो कॉल्ड लॉ के वजह से उड़ रहे हैं, बिकॉज अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, पर तुम किसी को अगर ऑफेंड कर गए तो तुम्हें जेल हो सकती है। रिलीजन के बारे में बोलो तो इनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को खेद पहुंचती है और फिर भैंचोदी रिलीजियस सेंटीमेंट्स होते क्या है हमें तो नहीं पता, और फिर किसने बनाया इन लोगों को भगवान का बाउंसर? किसने आपको बताया है कि आप सेफगार्ड करें रिलीजन को और रिलीजियस बिलीव्स को? तुम पॉलिटिक्स पे जोक नहीं मार सकते, किसी फेमस हस्ती के बारे में कुछ मजाक नहीं कर सकते, किसी का रोस्ट नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है विद लिमिट्स। तो टेक्निकली वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ ना? चुप भैंचोद, बाबा जी बात कर रहे हैं, बाबा जी को बात करने दो। और लोग तो आजकल भाई किसी भी बात पे ऑफेंड हो जाते हैं। अगर छोटा भीम के बारे में कुछ बोला तो राहुल गांधी ऑफेंड हो जाएगा, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहा तो सोनिया गांधी ऑफेंड हो जाएगी, सोनिया गांधी के बारे में कुछ कह दिया तो मनमोहन सिंह ऑफेंड हो जाएगा, और अगर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ कह दिया तो तब कोई ऑफेंड नहीं होएगा बे। हाँ वो भी है। तो बेसिकली तुम किसी भी बारे में बात नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारे स्कूल के बारे में, ना ही तारक मेहता के बारे में, ना ही सेक्स के बारे में, ना गालियों की बात, ना ड्रग्स की बात, और तुम इनके बारे में मूवीज तो भैया बिल्कुल ही नहीं बना सकते। अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो CBFC अपनी मनमर्जी करता रहेगा
और बेसिकली आगे जाके मूवीज कुछ ऐसी हो जाएंगी। टॉरेंट पे जाके देखते हैं बे। अगर तुम ऑफेंड हुए हो और कुछ ज्यादा ही संस्कारी हो तो कमेंट करो और हमें गाली दे दो, बस पुलिस कंप्लेंट ना करना प्लीज, क्योंकि उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, क्या तर्प तेरे आशिक, खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है, तर्प तेरे आशिक खड़ा है। हमें पक्का जेल जाने वाले हैं।